प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ शंख क्यों बजाया जाता है, आरती क्यों की जाती है, फूल चंदन से पूजा का मतलब क्या है। माँ, शंख का शब्द शब्द ब्रह्म, आरती प्रणाम भगवान को निवेदित वस्तुएं अपने में लेना, तेज लेना, इससे शुद्ध भाव जागृत होता है। पंचभूत के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रतीक है। इसी तरह करते करते असली पूजा, अपनी पूजा स्वयं, अपने को पाने के लिए, तभी उन्हें पाया जाता है। प्रश्न, मां सेवा या भगवान के नाम की जरूरत क्या है? कोई सेवा को बड़ा कहता है, कोई नाम को बड़ा कहता है। मां, अधिकार के अनुसार कर्म वे लोग स्वयं ही ले लेते हैं। किसी को बैठे बैठे नाम करने की इच्छा नहीं होती, उनके लिए सेवा करते हुए चित्त शुद्धि करना अच्छा है। फिर देखो, असली बात यह है कि चित्त शुद्ध हुए बिना सेवा भी ठीक से नहीं होती। दूसरी ओर, किसी की सेवा से चित्त शुद्धि होने पर तब ठीक ठीक से नाम होता है। अधिकार के अनुसार की बात है। कोई कोई कह सकता है कि नाम से सेवा बड़ी है, यह कैसी बात, बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। सिखों के लिए सेवा ही बड़ी है। यत्र जीव तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी। नाम करते करते सब होता है, पर सभी में सारी बातें नहीं होती, सभी के भाव समान नहीं होते। किसी किसी का नाम में मन नहीं लगता, उसे सेवा के अंतर्गत जाने को कहा जाता है। किसी का नाम प्रधान, किसी की सेवा प्रधान। कोई कोई नाम करते करते निष्काम सेवा का अधिकारी हो जाता है। दूसरी ओर, कोई कोई निष्काम सेवा करते करते प्रकृत नाम करने का अधिकारी हो जाता है। फलस्वरूप सभी की दरकार है। प्रश्न, मां पाप क्या है, पुण्य क्या है? मां, जो कार्य भगवान की ओर ले जाता है वही पुण्य है, और जो कार्य भगवान से दूर हटाता है वह पाप है। मां उपदेश दे रही हैं, बालक बालिकाओं को बचपन से ही चरित्र गठन शिक्षा प्रणाली की अधिक आवश्यकता है। जैसे प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम की नींव ठीक रहने पर ही गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन तीनों आश्रमों के बारे में ठीक होने की आशा की जा सकती है। जागतिक सुख भोग से पुण्य क्षय होता है और जागतिक दुख भोग से पाप क्षय होता है। इसलिए कहा जाता है कि वे दुख देकर दुख हरण करते हैं। देखो, इस मार्ग में आई हो, निंदा से विचलित मत होना। कितने विघ्न आ रहे हैं, आते रहेंगे, तिस पर भी धीर भाव से उसकी ओर लक्ष्य रखते हुए चलने की चेष्टा करो। सत्य एक दिन प्रकट होगा ही। तुम लोग धैर्य धारण कर अपना आवेदन निवेदन उन्हीं को जताने का प्रयत्न करो। जहां श्रम नहीं है वहां आश्रम। जितना तुम लोगों से हो सके उतना सद्भाव में रहो। पति परम पति का ही रूप, उसी भाव में सेवा करना। स्त्री लक्ष्मी उसी रूप में देखना। संतान बाल गोपाल कुमारी तत् ज्ञान में जो सेवा होती है उनके निकट पहुंच जाती है, वे कृपा करके अपनी ओर ले लेते हैं। प्रश्न, मां क्या वास्तव में भगवान हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है? मां, जरूर देखा जा सकता है, वे हैं। जैसे तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, ठीक उसी तरह देखा जा सकता है। प्रश्न, तब वे कृपा क्यों नहीं करते मां? मां, वे तो कृपा करते ही रहे हैं, कृपा वर्षण तो हो रहा है। अगर तुम बर्तन को उलट कर रख रहे हो तो कृपावारी बर्तन में कैसे रख पाओगे? बह जाएगा, सीधा रखने पर पाया जाता है, भर जाता है।
प्रश्न, मां सीधा कैसे होगा? मां केवल उनके लिए उन्मुख होकर रहना, मन ही मन उनके निकट प्रार्थना करना, उन्हीं का नाम जपना, उनका ध्यान करना, यह उपाय है। देखा होगा वृक्ष का बीज फल के भीतर ही रहता है। इतना बड़ा बरगद का पेड़ पर बीज कितना छोटा, पर भीतर जाकर जब बीज की खबर ली तब समझ में आया, अच्छा इसी से इतना बड़ा पेड़ और शाखा प्रशाखाएं प्रकट होती हैं। खबर ना पाने तक कैसे जान सकोगे, इसीलिए भीतर जाना पड़ता है, खबर जानने की चेष्टा करनी पड़ती है, तभी तो सब जाना जा सकता है। प्रश्न, मां जब सब भगवान करा रहे हैं तब हमारे लिए साधन भजन की क्या जरूरत है? मां, पिताजी वह ज्ञान अगर ठीक से हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं, पर यह जो प्रश्न किया जा रहा है इसी से प्रमाण हो रहा है कि सुन सुन का प्रश्न किया जा रहा है, वास्तव में वह ज्ञान नहीं है, इसीलिए साधन भजन की जरूरत है, उस ज्ञान के लिए, अपने स्वयं पाने के लिए, जानने के लिए। प्रश्न, मां ज्ञान कैसे किससे होता है? मां, उनका स्मरण, उनका जप, उनके ध्यान में अधिक समय देना। प्रश्न, पर उधर काम ज्यादा करने पर इधर के मजे नहीं मिलते, इसलिए वह सब नहीं करता। मां, पिताजी इधर के मजे कितनी देर तक? अगर उधर के मजे का आस्वाद पा लो तो फिर इधर के मजे की ओर ध्यान नहीं जाएगा। प्रश्न, मां उधर पकड़ने पर यह नौकरी कामकाज सब चौपट हो जाएगा, इसी में तो हमें आनंद मिलता है। मां, ठीक तो है, इधर का सब करो पर तद्बुद्धि से करो, कोई भी कार्य करो यह स्मरण करते हुए करो कि उनकी सेवा के लिए कर रहा हूं, वे मेरे द्वारा सब करवा रहे हैं, परमपति रूप मेरा स्वामी, पत्नी गृह लक्ष्मी, बाल गोपाल या कुमारी रूप में संतान की सेवा करो, तद्बुद्धि से सब करने पर उन्हें पाया जा सकता है। प्रेम से बोलिए शिष्यानंदमयी मात की।